हेलो जी, कैसे हो तुम? तुम यहाँ? मानम मैं। हिमांशी, हिमांशी क्या हो गया तुम्हें? हिमांशी उठो। बहू, बहू, क्या किया तुमने इसे? मैंने कुछ नहीं किया। और तुम हो कौन? मैं इसका दोस्त हूँ। मैं तो बस इससे मिलने आया था, पता नहीं एकदम से ये बेहोश हो गई। अरे हिमांशी, एक काम कर बेटा, जाके पानी लेकर आ रसोई में से। ठीक है, जल्दी जल्दी लेकर आओ। ये लीजिए। हिमांशी, बेटा तू बेहोश कैसे हो गई थी? थोड़ी कमजोरी की वजह से बेहोश हो गई थी, और सुबह से कुछ खाया भी नहीं था ना, तो बस। मैंने इसे कितनी बार कहा है कि अपना ध्यान रखा कर, जब मेरा बेटा आएगा तो क्या कहेगा मुझसे कि तू कितनी कमजोर हो गई, मैंने तेरा ध्यान नहीं रखा। क्या बेटा, तुमने बताया नहीं क्या अंकल जी को? क्या पता नहीं बेटा, वो पापा जी कि आपके बेटे की जल्दी छुट्टी होने वाली है और वो जल्दी घर आने वाले हैं। अब मुझे कहाँ पता रहता है, फोन भी इसके पास रहता है, लेटर्स भी इधर ही आते हैं। बेटा मुझे बता दिया कर, बहुत अच्छी बात है, वो आएगा फिर एंजॉय करेंगे। ये क्या बोल रहे हो तुम? अंकल जी को पता नहीं कि? मैं तो बताने ही वाली थी, पर तुमने मुझे बताने का टाइम ही कहाँ दिया, तुम तो खुद चले आए बताने। अरे तूने इसे खड़ा क्यों कर रखा है, कुछ चाय पिला? मैं बेटा जरा आराम करता हूँ, ठीक है? जी आओ। मांची, तुमने अभी तक अंकल जी को बताया नहीं क्या कि तुम्हारा पति जंग में शहीद हो चुका है? देखो कनिष्क, पापा जी को कोई आइडिया नहीं है कि उनका बेटा अब इस दुनिया में नहीं है। उनके बेटे की 7 महीने पहले ही डेथ हो चुकी है, और इनका ना इकलौता बेटा था वो। पापा जी अपने बेटे से बहुत प्यार करते थे, वो उसे किसी भी कीमत पे खोना नहीं चाहते थे। अगर उनको पता चलेगा कि उनका बेटा मर चुका है, हमारे बीच में है ही नहीं, तो उन्हें बहुत बड़ा धक्का लगेगा। इसीलिए मैं यूँ सुहागन बनकर रहती हूँ, ताकि इन्हें लगे कि इनका बेटा देश की सेवा कर रहा है, और मैं यहाँ ऐसे रहती हूँ। हिमांशी, ये सारी बातें मुझे पता था, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया। और तुम्हें तो याद ही होगा कि हम कॉलेज टाइम में एक दूसरे से कितना प्यार करते थे, और उस टाइम तुम्हारे घर वालों ने मेरे से शादी नहीं करवाई थी क्योंकि मैं कुछ कमाता नहीं था। पर आज हिमांशी, मेरा अच्छा खासा बिजनेस है, मैं तुम्हें बिल्कुल अच्छे से रखूँगा। क्या तुम मेरे से शादी करोगी? ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हें क्या लगता है कि मैं अभी तक कॉलेज वाली हिमांशी हूँ? मेरे ऊपर ना बहुत सारी जिम्मेदारियाँ आ चुकी हैं। अरे इस घर की बहू हूँ मैं ऐसा नहीं कर सकती। और तुमने ऐसा बोल भी कैसे दिया? अब वो तो वापस लौट के आ नहीं सकते ना इस दुनिया में, इसीलिए मुझे एक बहू और एक बेटे का फर्ज निभाना है, और अपने पापा जी की मरते दम तक सेवा करनी है। और उनका मेरे अलावा और है ही कौन, वो बहुत अकेले पड़ जाएंगे। तो तुम ये सारी बातें अपने दिमाग से निकाल दो और अब भूल जाओ प्लीज मुझे। हिमांशी, मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम आज भी मेरे से उतना ही प्यार करती हो जितना कॉलेज में करती थी। और रही बात अंकल की, उनका ध्यान हम मिलकर रख लेंगे। नहीं हो सकता ऐसा, प्लीज। हिमांशी देखो, तुम अपनी फीलिंग्स को दबाओ मत, तुम जो कहोगी मैं वो करूंगा, तुम्हारा हमेशा ध्यान रखूंगा। बेटा मैंने सब कुछ सुन लिया। पापा जी आपने कुछ सुना तो नहीं? मैंने सब कुछ सुन लिया बेटा, मैंने सब कुछ सुन लिया, मैंने सुन लिया कि मेरा बेटा दुनिया में नहीं है, अब वो कभी नहीं आएगा, वो कभी नहीं आएगा। जी आप हिम्मत रखिए, अगर आप हिम्मत छोड़ दोगे तो कैसे चलेगा? मुझे इस बात की खुशी है कि मेरा बेटा देश की सेवा करते हुए शहीद हो गया। और नहीं तुम ना, मुझे उस बेटे से बढ़ के बहू मिली है जो मेरे को मेरा इतना ध्यान रखती है, इतना ध्यान रखती है। आज वो जहां भी होगा ना, उसकी आत्मा ना बहुत खुश होगी बेटा। बेटा तुम्हारी जो जिम्मेदारी थी ना वो तुमने कर ली, अब मेरी जो जिम्मेदारी ना वो मैं करूंगा। मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों शादी करो। पापा जी ये क्या बोल रहे हो आप? बेटा मैंने तुम दोनों की सारी बातें सुन ली, मैं ये जान गया हूँ
कि तुम दोनों शादी से पहले एक दूसरे को जानते थे और शादी करना चाहते थे, पर कुछ कारण रहे होंगे तुमने शादी नहीं की। पर तुमसे एक बात कहूं, अगर तुम इससे शादी करना चाहो तो कर सकते हो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से ये अपना जीवन बर्बाद करे। अभी तो इसके सामने पूरी जिंदगी पड़ी हुई है। नहीं पापा जी, मैं ये शादी नहीं कर सकती। मैं आपको ऐसे कैसे अकेला छोड़ के जा सकती हूँ? बेटा मेरे पैर तो कब्र में लटके हुए हैं, आज नहीं तो कल मेरे को जाना ही है। पर तू क्यों अपनी जिंदगी खराब कर रही है? तेरे सामने तो पहाड़ जैसी जिंदगी है, और ये मौका मिला है तुझे आज इसे शादी करने का। देख मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, अगर तू मुझे खुश देखना चाहती है और मेरे बेटे को खुश देखना चाहती है तो प्लीज इसे शादी कर ले बेटा। और रही बात अंकल की, अंकल का ध्यान हम दोनों रखेंगे ना? ठीक है फिर, अगर पापा जी की मंजूरी इसमें है ना तो मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। अंकल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बस हम आपके आशीर्वाद चाहिए हमें। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ।